पंजाब दे विच करोना ने मुड़ तो रफ्तार फड़ ली है, जिस दे तहत सूबे विच 107 नवे केस सामने आए ने। करोना दे घट होण दे कारण जिथे पंजाब दी सरकार ने स्कूल खोलण दा फैसला लिया सी, पर हालात खराब हो रहे ने क्योंकि स्कूलों विच रोजाना विद्यार्थी पढ़न वास्ते जा रहे ने। करोना दी चपेट विच कई विद्यार्थी आ ने। पंजाब दी सरकार ने वड्डा फैसला लैंदे होए स्कूलों विच रोजाना 10,000 RT-PCR टेस्ट करन दी मंजूरी दित्ती है। पंजाब दे विच कोविड दे मामले वध रहे ने। हालांकि सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला का बयान आया सी, जिस उन्होंने कहा सी कि जेकर जरूरत पई तो स्कूलों बंद भी किया जा सकता है, पर इस विचाले सब तो बड़ा सवाल यही है कि डेल्टा वेरिएंट का जिक्र जिथे सेहत अमले कर रहे हैं, दूजे पासे कोविड तो बचने किस तरह की तैयारी है, तीजे पासे बच्चे घर पढ़ाई करने लिए मजबूर से, हुण जेकर सरकार ने यह फैसला लिया तो किस हिसाब की प्रिक्योशनज सावधानियां पंजाब की सरकार ने वरतियां ने। मेरी जाती राय है कि जब तक करोना मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होंदा उदों तक इहदे ते पुनर्विचार करना चाहिए स्कूल खोलण के फैसले ते, क्योंकि बच्चों की जिहड़ी जिंदगी है वह बड़ी अहम है साढ़े वास्ते। और मैं लाजम तौर पर मुख्यमंत्री जी नूं और एजुकेशन मिनिस्टर जी नूं यह बेनती करूँगा कि अपने पहले फैसले पर पुनर्विचार जरूर कर लें। ज़िला पटियाला के हलका नाभा नाल संबंधित सरकारी मॉडल हाई स्कूल विच छेवीं जमात विच पढ़न वाले विद्यार्थन की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जिस तों बाद पूरे स्कूल नूं 4 दिन लई बंद कर दिता गया है। पूरियां क्लासां नूं 14 दिन लई एकांतवास किया गया है। दस दईए कि पंजाबी सरकार वल्लों जिवें स्कूल खोलण का हुक्म दिता गया तां लगातार होना स्कूलों में कोविड-19 के मामले वध रहे ने। नाभा दी SDM ने कहा कि अगले फैसले बारे मीटिंग तों बाद दस्सिया जाएगा। जानकारी यह भी है कि इस स्कूल 1300 के तकरीबन बच्चे सिक्ख्या लै रहे हैं। बलिंदर सिंह साडे पत्रकार शहर पटियाला तो सानू शहर नाभा की जानकारी देंगे। बलिंदर, अपडेट की है, बच्चे कोविड पॉजिटिव आए ने, स्कूल अमला क्या की रहा है? जी देखो कृष्ण, सब तो पहला दसना चाहूंगा कि सरकार हालांकि अपने इस फैसले को जरूर एक बार फिर विचार कर रही है, लेकिन कोविड-19 के मामले हम स्कूलों के शुरू हो चुके हैं। जिवें कि नाभा के भी 6वीं क्लास की विद्यार्थन जी कोविड पॉजिटिव पाई गई, हालांकि टीचर वालों मुख्य टीचर वालों यह कहा गया कि वो मदर जे पहला बीमार थी वो कोविड पॉजिटिव थी, तो यदा पहला टेस्ट प्राइवेट करवाया गया थी, लेकिन जो सू पता चलिया तो कोविड पॉजिटिव आई है कुड़ी, तो असी पूरी क्लास जोड़ा हैगा एकांतवास के लिए भेज दिता गया, तो सारे अध्यापकों की जी है असी टेस्टिंग भी करवाई जाएगी। सो कितना कितने SDM वालों भी किया गया कि हुण असी पूरे जिहड़े अध्यापकों के नाल एक मीटिंग करा के मीटिंग दे विच जो भी जिहड़े गाइडलाइन दित्ती गई उसको किदां इंप्लीमेंट करना है वो बारे भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सो कृष्ण कह सकते हैं कि जिहड़े मामले हुण आने शुरू हो चुके हैं, शायद सरकार नूं या चाहिदा है कि स्कूलों के बच्चे काफ़ी छोटे होंगे तो जिहड़ी है गाइडलाइन जां प्रोटोकॉल हुंदा है उहदी ज़्यादातर ध्यान नहीं रखता, तो सो एक फैसले नूं जिहड़ा हैगा लगता है कि द्वार तो सोचने की लड़ है, क्योंकि बच्चे जोड़े है हौली हौली आने शुरू हो चुके हैं। जिमें कि नाभा के 6वीं क्लास की विद्यार्थन आई है, पर हाल 4 दिन के लिए स्कूल जोड़ा है जरूर बंद कर दिया गया है, उस तो बाद जोड़ा है सैनिटाइज भी स्कूल पूरी तरह किया जा रहा है। जी कृष्ण जी, बलिंदर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।